मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का शीर्षक है प्रथम अवसर ही अंतिम अवसर। एक बार एक नवयुवक किसान की बेटी से बहुत प्रेम करता था और किसान की बेटी से शादी करने की तीव्र इच्छा मन में लेकर वह किसान के पास गया और उसने कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। किसान ने नीचे से ऊपर तक उस नवयुवक को देखा और कहा कि हे नवयुवक, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। मैं एक एक करके अपने घर से 3 बैल छोड़ूंगा। यदि तुम 3 बैलों में से किसी भी बैल की पूंछ पकड़ने में समर्थ रहे तो मैं खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। नवयुवक किसान के घर के बाहर खड़ा हो गया ताकि वह बैल की पूंछ पकड़ पाए। किसान ने पहले बैल को अंदर से छोड़ा, परंतु जैसे ही नवयुवक ने उस बैल को देखा तो इतना खूंखार और भयंकर बैल उसने कभी नहीं देखा था और डर के मारे वह आगे से हट गया और बैल बहुत तेज गति से दौड़ गया। नवयुवक ने सोचा कि एक अवसर तो मैंने गंवा दिया है, अब जो बैल निकलेगा उसकी पूंछ तो मैं जरूर पकड़कर ही रहूंगा। वह बैल की पूंछ पकड़ने के लिए तैयार खड़ा था। अंदर से किसान ने दूसरा बैल छोड़ दिया, परंतु नवयुवक ने देखा कि दूसरा बैल पहले बैल से भी भयंकर था और डर के मारे वह उस बैल की भी दूसरे बैल की भी पूंछ नहीं पकड़ पाया। अब नवयुवक के पास एक अंतिम अवसर था और उसने अब की बार मन बना लिया, चाहे जो हो जाए तीसरे बैल की पूंछ मैं जरूर पकड़ूंगा और हर हाल में किसान की बेटी से शादी करूंगा। किसान ने तीसरा बैल छोड़ा। जैसे ही नवयुवक ने उस बैल को देखा तो उसकी आंखों में एक विशेष चमक आ गई, क्योंकि बैल काफ़ी कमज़ोर था और वह दोनों हाथों को इस तरह की मुद्रा बनाकर खड़ा हो गया कि जैसे ही बैल बाहर आए मैं उसकी पूंछ पकड़ लूं। जैसे ही बैल अंदर से बाहर आया और नवयुवक बैल की पूंछ की ओर लपका तो नवयुवक ने देखा कि बैल की पूंछ ही नहीं है। नवयुवक हैरान था और अपनी सोच पर पश्चाताप कर रहा था कि मैंने पहले ही बैल की पूंछ को अंतिम अवसर मानकर क्यों नहीं पकड़ा। इस तरह से नवयुवक अवसर गंवा देता है और किसान भी अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी अवसरों से भरी पड़ी है। कुछ अवसर सरल होते हैं, कुछ अवसर कठिन होते हैं, परंतु हम कई बार सरल अवसरों की चाह में कठिन अवसरों को गंवाते रहते हैं। दोस्तों, जब एक अच्छा अवसर हम गंवा देते हैं तो शायद ऐसा अवसर जिंदगी में फिर दोबारा न मिले। इसलिए हमेशा प्रथम अवसर को ही अंतिम अवसर मानकर उसे ही हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।